أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته How are you student? I hope that you will be fine. Today we will do our lecture number 22, class 8, subject English. और आज की शीट में हमारे comprehension passages हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पहला passage देखते हैं, student. Read the following passage and answer the question at the end. हमारा passage जो है वो start हो रहा है for the 3 years से हमारा passage है, उसके बाद हम उसको 2 days हाउसेस तक उसको कंप्लीट करेंगे हम पहले हम पैसेज रीड आउट करेंगे फिर हम उसके क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे हमारा पैसेज है फॉर 3 years द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस वैली 3 साल तक आका और उसके जो रिश्तेदार थे वो इस वादी में रहे मैनी ऑफ द मुस्लिम्स हैड ज्वाइंड देम बहुत सारे मुसलमानों ने उनको उनमें शामिल हुए ठीक है ऑल सप्लाइज टू वैलीज वर कट ऑफ जितनी भी रसद वादी को आ रही थी वो सारी जो थी वो काट दी गई थी The Makkans saw to it that no food or drink reached the Banu Hashim. मक्का वालों ने देखा कि बनु हाशिम को ना तो कोई खाने की चीज और ना ही कोई पीने की चीज जो है वो पहुंच रही थी The poor Banu Hashims had to live on leaves and roots of tree. बेचारे जो बनु हाशिम थे उनको दरख्त के पत्तों और जड़ों पे जो है वो गुजारा करना पड़ रहा था द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रंस वर पर्टिकुलरली पिटिएबल बच्चों की सूरत हाल जो थी वो बहुत ज्यादा खास तौर पर काबिले रहम थी At last, some kind-hearted Makkans took pity on Banu Hashim. आखिरकार कुछ मक्का वालों ने जो है वो Banu Hashim पे तरस खाया. They tore two pieces the agreement hanging in the Kaaba. उन्होंने उस agreement को जो Kaaba में लटक रहा था, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए. The hunger-stricken Banu Hashims were able to come back to their houses. तब फाका ज़दा Banu Hashim जो थे, वो अपने घरों को वापस आने के काबिल हुए. अब हम questions पढ़ते हैं. हमारे पास पहला question है, Who lived for 3 years in the valley? वादी में 3 साल तक कौन लोग ठहरे थे तो हमारे पास आंसर है द मास्टर्स एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस वैली आका और उसके रिश्तेदार जो थे वो 3 साल तक इस वादी में ठहरे थे सेकंड क्वेश्चन देखिएगा हु ज्वाइंड द मास्टर्स एंड हिज रिलेटिव्स कौन थे जिन्होंने मास्टर मतलब आका को और उसके रिश्तेदारों को जो है वो ज्वाइन किया था उनमें शामिल हुए थे तो मैनी ऑफ मुस्लिम ज्वाइन दम बहुत सारे मुसलमानों ने जो था उनमें बहुत सारे मुसलमान जो थे उनमें शामिल हुए थे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की सूरत हाल क्या थी तो हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी देखिएगा स्टूडेंट हाउ डिड बनू हाशिम लिव ठीक है तीसरा क्वेश्चन ये है कि बनू हाशिम कैसे रह रहे थे द पुअर बनू हाशिम हैड टू लिव ऑन लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस तो बेचारे जो बनू हाशिम थे उनको जिंदगी गुजारने के लिए जो दरख्तों की जड़ें हैं और पत्तों पे झाड़ियों पे जड़ों पे और पत्तों पे गुजारा करना पड़ रहा था ठीक है ये उनकी कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की सूरत हाल क्या थी तो हमारे पास आंसर है द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज पर्टिकुलरली पिटिएबल ठीक है बच्चों की सूरत हाल खास तौर पर काबिल रहम थी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है व्हाट डिड द मक्कंस डू मक्का वालों ने क्या किया They tore two pieces the agreement hanging in the Kaaba. उन्होंने क्या किया उन्होंने जो काबा में वो agreement लटक रहा था जो मुहिदा लटक रहा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए लास्ट क्वेश्चन है Who took pity on Banu Hashim? Banu Hashim पे किन लोगों ने तरस खाया तो हमारे पास आंसर है kind hearted Makkans took pity on Banu Hashim. जो रहम दिल मक्का वाले थे उन्होंने Banu Hashim के ऊपर तरस खाया अब हम अपना सेकेंड पैसेज देखते हैं मेकिंग पोट्री ऑन वॉटर व्हील इज कॉल्ड थ्रोइंग ठीक है वॉटर व्हील के ऊपर जो बर्तन साजी की जाती है उसे थ्रोइंग कहते हैं थ्रोअर इज अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन जो थ्रोअर होता है यानी उसके व्हील के ऊपर बनाने वाला होता है बर्तन साज जो होता है वो बहुत माहिर होता है बट देयर इज अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले मोल्डिंग ठीक है मट्टी से एक और तरीकाकार है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उसको मोल्डिंग कहते हैं यानी सांचे में डालना कहते हैं अ प्लास्टर मोल्ड इज मेड प्लास्टर का एक सांचा बना होता है क्लेज प्रेस इनटू इट इसके अंदर मिट्टी को भर दिया जाता है दिस इज अ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट वे ये तेज तरीन और कम मुश्किल वाला तरीकाकार है टू मेक थिंग्स चीजें बनाने के लिए लाइक हैंडल्स जैसे के दरवाजों के जो दस्ते होते हैं वो बट ऑल द मोस्ट ब्यूटिफुल पोट्री इज थ्रोन लेकिन ज्यादा खूबसूरत जो बर्तन साजी है वो थ्रोन से ही होती है यानी ये जो तरीकाकार है उससे बनाई जाती है When a piece of pottery is taken out of the wheel, जब एक बर्तन के टुकड़े को व्हील के ऊपर से पहिए के ऊपर से उतार लिया जाता है इट इज पुट असाइड टू ड्राई तो उसे खुश्क होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है आफ्टर विच ए डिजाइन में भी पेंट ताकि उसके ऊपर कोई डिजाइन जो है उसको पेंट किया जा सके विथ स्पेशल कलर खास किस्म के रंगों के साथ उसके ऊपर एक डिजाइन को बनाया जाता है एंड दैट विल स्टैंड ग्रेट हीट फिर उसे
बहुत ज्यादा गर्माइश में रखा जाता है. इट इज देन रेडी टू बी फायर्ड. फिर उसे पकने के लिए, आग में पकने के लिए तैयार किया जाता है. दिस इज डन इन अ लार्ज अवन और कैलन. ये वाला काम जो है ये बहुत बड़ी भट्टी जिसको अवन या कैलन कहते हैं उसमें ये सरंजाम दिया जाता है. द पीस ऑफ पोएट्री आर प्लेस्ड इन अर्थ वॉर्म ट्यूबर्स. जमीन के अंदर ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर बर्तन के पीसेस जो हैं उनको रखा जाता है. कॉल्ड सेगर्स, उन्हें सेगर्स कहते हैं. सो दैट द फ्लेम कुड नॉट टच द पोट्स, ताकि आग के शोले जो हैं वो बर्तनों को छू ना सके. ठीक है बेटा, ये हमारा पैराग्राफ है. हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज अ थ्रोइंग. जी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज अ थ्रोइंग. हमें इसका आंसर देखना है. मेकिंग पोट्री एंड पोटर व्हील्स इज कॉल्ड थ्रोइंग. ठीक है, बर्तन साज जो है वो अपने व्हील के ऊपर जो बर्तन बनाता है उसको थ्रोइंग कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स. आर्टिकल्स को बनाने का दूसरा तरीकाकार क्या है. तो हमारे पास आंसर है द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स इज कॉल्ड मोल्डिंग. दूसरे तरीकाकार को मोल्डिंग कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर थ्री में उसने पूछा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग. मोल्डिंग यानी सांचा साजी का फायदा क्या है. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग इज दैट साजी का फायदा ये है, इट इज क्विकर. एक तो ये तेज तरीन होता है एंड लेस डिफिकल्ट, और कम मुश्किल वाला होता है वे तरीका फॉर मेकिंग हैंडल्स, दस्ते बनाने के लिए. ठीक है, दरवाजे के दस्ते जो हैंडल्स उनको बनाने के लिए. उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोटर मेक डिजाइन ऑन द पीसेज ऑफ पोट्री. ठीक है, जो पोटर है वो पीसेज ऑफ पोट्री पे डिजाइनिंग कैसे करता है. जी फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, द पोटर पेंट्स डिजाइन ऑन द पीसेज ऑफ पोट्री विद स्पेशल कलर. ठीक है, स्पेशल कलर्स के साथ वो जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर वो पेंट करता है. लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ आर द पीस ऑफ पोट्री बेक्ड ऑन फायर. ठीक है, कैसे उनको बेक किया जाता है, कैसे पकाया जाता है. तो हमारे पास आंसर है पोट्री इज बेक्ड इन अवन और अ कैलन. ये अवन या कैलन जो होता है, भट्टी जो होती है उसको अवन या कैलन कहते हैं, उसमें इसको पकाया जाता है. जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की असेसमेंट शीट जो है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी. अपनी शीट को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखिएगा. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. फिर मिलेंगे, फी अमानिल्लाह.